नमस्कार दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल ऑटिज्म एंड मॉम पर जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मेरे दो बच्चे हैं सात्विक और श्लोक सात्विक पाँच साल का है मतलब पाँच साल का है नहीं मतलब ये जून में वो पाँच साल कंप्लीट हो जाएंगे उसे और छटा लग जाएगा तो इसको ऑटिज़म है और इसकी थेरेपी मैं पिछले एक साल से घर पर ही कर रही हूँ और इससे पहले मैं थेरेपी सेंटर भी मैं लेके गई वहाँ से भी मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला और काफ़ी इम्प्रूव हुआ इसकी स्पीच आ गई इसकी थोड़ी थोड़ी बहुत बात भी करने लग गया और थोड़ा सा हाइपर एक्टिविटीज़ की कम भी हुई है तो उसके बाद मैं घर पर भी मैंने इस पर काफ़ी काम किया और मुझे उस पर भी काफ़ी फ़ायदा दिखा तो मैं जब मैं घर पर काम कर रही थी तो मुझे लगा कि मैं कर सकती हूँ इस पर काम मुझे थेरेपी सेंटर की इतनी ज़रूरत नहीं है तो आ, आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो बनाती हूँ कि जो लोग थेरेपी सेंटर नहीं जा पा रहे हैं जो लोग थेरेपी सेंटर की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं वो लोग घर पर ही कैसे अपने बच्चे को एक्सरसाइज करके अपने बच्चे को एक इंडिपेंडेंट लाइफ दे सकते हैं ठीक है अब मेरे वीडियो का मोटिव यही है कि आप अपने बच्चे को एक इंडिपेंडेंट लाइफ दे सकें बहुत सारे लोग जो हैं वो आ, एक जो माइल्ड ऑटिज्म है उसे ऑटिज्म बोलते ही नहीं है उसे स्लो लर्नर बोलते हैं कि ये कोई भी चीज़ सीखने से पहले कोई भी चीज़ सीखने में थोड़ा सा टाइम लगाते हैं इसलिए स्लो लर्नर बोला जाता है तो माइल्ड ऑटिज़म तो वैसे ही बोला जाता है कि वो ठीक ही हो जाता है मॉडरेट जो लेवल है वो वो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा आपको करते करते आपको कितनी सारी सक्सेस स्टोरीज में मिल जाएंगी आप अगर इंटरनेट में अगर ढूंढें तो तो आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है तो आप अपने बच्चे पर काम करते रहिए विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस है ना हमें बस अपना काम करते जाना है बाकी नेगेटिव चीज़ों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है आज का जो टॉपिक है वो है हाइपर एक्टिविटी पर हाइपर एक्टिविटी पर तो मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है लेकिन जो आज मेन जो मोटिव है वो है साइकिलिंग पर कि मैंने अपने बच्चे को साइकिल चलाना कैसे सिखाया ठीक है जो हाइपर एक्टिविटी है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है साइकिलिंग और स्विमिंग स्विमिंग तो आप आपको ही सिखाना पड़ेगा किसी ट्रेनर के अंडर में मैं ये बता सकती हूँ कि साइकिल मैंने अपने बच्चे को कैसे सिखाया अगर आप दिन में एक घंटा अपने बच्चे को साइकिल चलवाते हैं तो उसकी हाइपर एक्टिविटी में आप खुद चेंज देखेंगे वो जितना इधर उधर भागता है ना वो थक थकेगा और थोड़ा आ, काम डाउन होगा आपको खुद अंदाज आएगा इसलिए साइकिलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वॉक तो आप कराते ही हैं साइकिलिंग भी बहुत ज़्यादा जरूरी है साइकिलिंग पूरी बॉडी वर्कआउट हो जाती है उससे ठीक है जी तो साइकिल चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अब सवाल ये होता है कि अगर हमारे बच्चे को तो साइकिल आती नहीं है तो उसे साइकिल कैसे चलाना सिखाना है ये तो मैंने अपने बच्चे को जब वो सवा दो साल का था तब मैंने साइकिल चलाना उसको स्टार्ट करा दिया था और मुझे डेढ़ साल लग गए उसे साइकिल सिखाने में इतना टाइम क्यों लगा क्योंकि मैंने एक गलती की आ? थी कि मैंने उसको जो छोटी साइकिल होती है ना तीन पहिए वाली उस पर चलाना सिखाया था उस पर मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी अगर आप अपने बच्चे को साइकिल सिखा रहे हैं तो जो टू व्हीलर वाली होती है दो पहिए वाली सपोर्टर वाली जो किनारे पर सपोर्टर लगे रहते हैं उससे आप अपने बच्चे को साइकिल सिखाइए तो जल्दी साइकिल सीखेगा तो अब आप बच्चे को उस साइकिल पर कैसे सिखाना है वो भी मैं बताऊंगी और थ्री व्हीलर पे क्यों नहीं सीख पाते हैं जल्दी बच्चे वो भी मैं आपको बताऊंगी तो चलते हैं फिर वीडियो की तरफ को साइकिल की तरफ को अपने बच्चों के साथ ठीक है तो दोस्तों मैं लेके आ गई हूँ ये दोनों साइकिल छोटी साइकिल भी और ये दो वाली साइकिल भी अगर आप छोटी साइकिल पर अगर आप सिखाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा कि प्रेशर देना होगा यहाँ पर ये एक तो ये टोज में और ये नीज में क्योंकि इन दोनों जगह से ही हमारे प्रेशर पड़ता है लेकिन जब आप ये प्रेशर देंगे ना ये प्रेशर देंगे तो छोटे होने की वजह से तुरंत घूम जाता है तो जब तक बच्चा ये सोचे कि हमें प्रेशर देना है तब तक तो ये पहिया घूम जा रहा है फिर उतनी देर में उसे ये सोचना पड़ता है कि हमें दूसरे पैर से प्रेशर देना है ये ऐसे ऐसे मैंने इसे ऐसे ही सिखाया था यहाँ मैं पीछे खड़ी हो जाती थी और उसके बाद मैं ऐसे धक्का देती थी अभी पैडल है भी नहीं इसमें क्योंकि शिफ्टिंग का काम चल रहा था तो पैडल अभी मिल भी नहीं रहे तो मैं आपको अगर छोटी साइकिल में ही सिखाना है तो आप क्या कर सकते हैं कि आपको आप बच्चे को ये हैंडल पकड़ा करके ये, ये पैडल में जहाँ से पैडल में प्रेशर पड़ता है यानी कि नीज में आपको ऐसे प्रेशर देना है ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे इस टाइप से आपको यहाँ पर प्रेशर देना है आप ये लगातार करते रहेंगे तो ये सीख जाएगा टाइम लगेगा लेकिन सीख जाएगा लेकिन मैं प्रेफर करूँगी कि आप उस साइकिल में ही ट्राई करें टू व्हीलर में अब मैं बताऊँगी कि उस साइकिल में आपको कैसे सिखाना है अब मैं लेके आ गई हूँ दो पहिए वाली साइकिल इसमें क्या करना है आपने सबसे पहले इसमें सिखाना आसान इसलिए है क्योंकि इसकी जो ये टायर है ये थोड़े बड़े होते हैं तो बच्चा अगर पैडल मार रहा है तो उसे सोचने तक वो पूरा पैडल मरेगा है ना तब वो दूसरा पैडल मारेगा छोटे में क्या होता है कि बहुत जल्दी जल्दी पैडल मारना पड़ता था इसमें इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है आ, मैं आपको दिखाती हूँ इसके जो सपोर्टर हैं इसको मैंने एक थर्माकोल के ऊपर रख दिया आप किसी के भी ऊपर रख सकते हैं कोई कपड़ा रख लीजिए पुराने कपड़े हैं ताकि ये अपनी जगह से हिल ना पाए है ना ऐसे ही यहाँ पर भी मैंने कर दिया है ठीक है अब हमें क्या करना है अब हमें पैडल मारना सिखाना है जब बच्चे पैडल मारना सीख जाएंगे तो साइकिल चलाना सीख जाएंगे खुद ही ठीक है अब ये आराम से आप इसे च, वो कराएंगे ये कराएंगे तो आराम से कर लेकिन मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपके बच्चे को पैडल मारना नहीं आता है तो आप कैसे सिखाएंगे उसे पहले एक ही साइड से सिखाइए ऐसे खुद ही फि, फिर जब वो यहां पर पहुंचेगा तो उसका प्रेशर दीजिए यहाँ से या तो यहाँ से या फिर यहाँ से ऐसे प्रेशर दीजिए आपको क्या करना है कि आपको इस पैडल के ऊपर पैर रखना है और प्रेशर देना है प्रेशर कैसे देंगे या तो ऐसे ठीक है और फिर यहाँ तक तो पहुँच जाएगा फिर उसे प्रेशर देना नहीं आएगा फिर ऊपर लेके आएंगे फिर ऐसे करेंगे ठीक है ऐसे करके आप प्रेशर देंगे दोनों पैर में या फिर घुटनों से आप प्रेशर दे सकते हैं ऐसे यू ऐसे से, ऐसे से प्रेशर देंगे घुटनों से अगर प्रेशर देंगे तो ब, 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 बच्चा चलाना सीखेगा बस आपको ये करना है कि जैसे वो यहां तक बच्चा क्या करेगा या तो उल्टे क्योंकि उल्टी पैडल मारना ज्यादा आसान होता है तो बच्चे उल्टे मारने की कोशिश करेंगे लेकिन आपको ट्राई करना है कि वो सीधे मारे जैसे यहां पहुंचेंगे तो तुरंत आपको ऐसा कर देना है ताकि वो वहां पर सपोर्ट मिल जाए कि तुरंत धक्का मारने वाला पोजिशन आ जाए उस पैडल की ठीक है तो यहाँ से ऐसे ही धक्का मारेंगे फिर ऐसा कर देंगे ताकि वहाँ से फिर से धक्का मारे मारो ऐसे फिर ऐसे वहाँ पर पहुँच गया वो सपोर्ट वाला फिर यहाँ से करिए ठीक है ऐसे करके आप साइकिल चलाना सिखा सकते हैं जब एक रुकी हुई साइकिल है इसमें ज़्यादा आसान है मैं आपको फिर से बता रही हूँ तो इस तरीके से आप अपने बच्चे को साइकिल चलाना सिखा सकते हैं मैंने बड़े वाले को छोटे पहिए में सिखाई छो, छोटे पहिए वाली साइकिल में सिखाई साइकिल इसीलिए उसे कम से कम डेढ़ साल लग गया उसे साइकिल सीखने में और ये इसको मैंने इसी में सिखाई ये दस दिन में सीख गया था साइकिल ठीक है तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप ट्राई कीजिए ये बहुत कारगर है ये सपोर्टर देना ज़रूरी है ठीक है तो आप सिखाइए अपने बच्चे को और उसकी हाइपर एक्टिविटी कम कीजिए और उसकी हाइपर एक्टिविटी ज़रूर कम होगी इससे ये मैं आपको लिखे दे सकती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे की साइकिल चलाने से बहुत हाइपर एक्टिविटी कम हुई है ठीक है जी तो आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो अपने बच्चे के ऊपर ट्राई कीजिए और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में तब तक, तक के लिए बाय बाय देख नहीं रहा आपका बाई यहाँ से बाय करो